बच के ना निकले, जाने ना देना। मार दिया मैंने, खारिजी था। ये तुमने क्या किया? ये मुआविया के जासूसों का सरगना है। ये दूसरी दफा थी जो इस नबा मोहम्मद की जान लेनी चाहिए। सब्र से काम लो। हमारे मोहला को हमारी आंखों के सामने जर्ब लगाई और हम कुछ ना कर सके। हसन इब्ने अली को चंद खाइन और मुनाफिक लोगों ने घेर लिया है। पता नहीं चलता कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। अब मोहला की तबीयत कैसी है? हाँ, सब कुछ ठीक है। ये घर महफूज है, खतरे की कोई बात नहीं है। अगर अबा मोहम्मद को कुछ हुआ तो मैं मोहम्मद, अब मुझे किसी पे भी एतमाद नहीं है। जवान, मैं तुम्हारा हाल समझता हूँ। मैं भी अली इब्ने अबी तालिब का चाहने वाला और खानदान रिसालत का शैदाई हूँ। इत्मीनान रखो, सब्र से काम लो। ये सईद सकफी है जो मदायन का हाकिम था। मेरे लिए फर्क नहीं करता कि कौन है, मुझे किसी पे भी एतमाद नहीं। अली मुर्तजा ने इसे मदायन का हाकिम बनाया था। यह हसन इब्ने अली के बावफा साथियों में से है। ये उसका जाहिर है, देखना चाहिए उसका बातिन क्या है। अमान हो इंसानों के बातिन से। सिर्फ खुदा लोगों के बातिन को जानता है। बस गौर से सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी को हक नहीं बगैर इजाजत उस घर में दाखिल हो। अब जाओ, मत खोलिए, दरवाजे बंद कर दो। खाएं, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? यह हराम गजा नहीं है, यह हसन इब्ने अली की तरफ से है। इत्मीनान रखें, इस मकान को हसन इब्ने अली का मकान समझें, मेरा मकान नहीं है। मेरा जान और माल सब कुछ अली का है और औलाद जहरा का है। मेरे मौला की तबीयत कैसी है? खंजर हड्डी तक सरायत कर गया है, लेकिन इमाम वजू करके नमाज में मशगूल हो गए हैं। हातिम, इमाम से कहो आराम करें, वरना खून का बहना बंद नहीं होगा। मैं हसन इब्ने अली से सब कुछ मांग सकता हूं सिवाय उसके जो तुम चाहते हो। बस अब जाओ। सही, अबा मोहम्मद ने कहा है निगहबान की जरूरत नहीं। निगहबान के बगैर इताअत करो सईद। ये कैसे मुमकिन है? देखो जवानों, अगर निगहबानों को हटा दिया जाए तो उनकी हिफाजत कैसे होगी? ठीक है, फिर उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद तलवार लेकर उनके घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। मोहम्मद, हसन इब्ने अली ने कहा है कि सिपाहियों से कह दें कि अब कोई जंग नहीं है, सब अपने घर लौट जाएं। अहमद, जैसे ही मतला साफ हो जाए तुम मस्कन की जानिब निकलो और कैस इब्ने साद से कह दो कि हसन इब्ने अली ने कहा है कि फौज को छुट्टी दे दें और माविया की फौज से टकराव न होने दें, और कहो कि हसन इब्ने अली माविया से सुलह की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी रात को इमाम के करीब तरीन दोस्तों ने इमाम की मुनाजात सुनी। खुदावंद, मैं कैसे किसी से डरूं जबकि मेरी उम्मीद सिर्फ तू है।
और कैसे किसी चीज की परवाह करूं जबकि तुझ पे भरोसा किया है। बारे इलाहा मुझे बुर्दबारी अता कर और अपने दीन और कुरान को दुश्मनों पर कामयाबी अता कर। अगरचे ये तंग नजर लोग तेरी नुसरत और कामयाबी को देख नहीं सकते, लेकिन मैं तो अपनी निगाहों से तेरी मदद देख रहा हूँ और मुस्तकबिल में तेरे दीन और कुरान और तेरे पैगंबर की सुन्नत की कामयाबी पर पूरा यकीन रखता हूँ और एक लम्हा भी तेरी नुसरत के वादे पर शक नहीं करता। तुमने खुद हसन इब्न अली को कहते हुए सुना? नहीं, अली इब्न हातम ने बताया। मैं यकीन नहीं करूंगा। उन्होंने मुगैरा को पैगाम भी भेजा है। ये हो नहीं सकता। अबा मोहम्मद मुआविया से सुल नहीं करेंगे। रो रहे हैं? हसन इब्न अली की मासूमियत पे रो रहा हूं। नहीं, ये नामुमकिन है। हाँ, अम्र, मगर तुमने नहीं कहा था कि वो सुलह नहीं करेगा। सुलह नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हर रुख से दिक्कत के साथ जांच लिया था। इम्कान नहीं था कि सुलह करे। फिर कैसे इस सुलहनामे पर दस्तखत कर दिया? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब तुम क्या समझते हो? मैं कुछ नहीं कह सकता। जाओ बाहर, बाहर। अम्र, क्या मुझ पे कोई खतरा लाहक है? नहीं मालूम, इस वक्त मेरी अकल काम नहीं कर रही। मुझ पे अचानक हमले का इरादा तो नहीं होगा? नहीं। फिर तो क्या सोच के उसने ये दस्तखत कर? क्या बताऊं जब खुद नहीं जानता? झूठ बोलता है तू शैतान, सब कुछ जानता है। ये सारे नक्शे तूने बनाए हैं, तू मुझे यहां तक लाया। अब भी तू ही मुझे इसका जवाब बताएगा, वरना अपने अजदाद की कसम मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगा। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। बोस जाने नबी से। इब्ने आस, कुछ आराम कर लो, अच्छी तरह सोचो। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम हल न कर सको। मैं मुतमईन हूं तुम इसका मुनासिब जवाब दे सकते हो। सुलहनामे का जवाब अपनी खोपड़ी को इस्तेमाल में लो। क्यों हसन इब्ने अली ने जल्दी से मान लिया? दोबारा गौर करो, शायद तुम्हारा जवाब इसी खाल के टुकड़े में मिल जाए। शायद इन्हीं जुमलों में पोशीदा हो। गौर से देखो, अल्फाज के पीछे कुछ मौजूद हो जो हमारी निगाहें न देख पा रही हों।
जो कुछ इस खाल पे लिखा है वो चंद शरायत हैं जिसकी कोई अर्जिश नहीं, और हसन इब्ने अली अच्छी तरह जानते हैं कि तुम इनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं करोगे। इसके अलावा हुक्म जारी करने में तुम क्या जमानत दोगे जो उसने लिखा है? लिखा है तुम्हें मुसलमानों के खून की हिफाजत में पैगंबर इस्लाम की सुन्नत और किताब खुदा पर अमल करना होगा, क्या तुम अमल करोगे? क्या हसन को नहीं मालूम कि तुम अमल नहीं करोगे? अगर अमल ना किया तो क्या होगा? कुछ नहीं। लिखा है कि अली को गालियां ना दो, अगर दिया तो क्या होगा? लिखा है कि अपने बाद खिलाफत के वास्ते किसी को मुअय्यन नहीं करोगे, क्या हसन को नहीं मालूम कि तुम खिलाफत नहीं छोड़ोगे और खिलाफत को बनू उमैया की मीरास बना लोगे? मालूम है उन्हें अच्छी तरह मालूम है। यानी क्या? आखिर इसका जवाब तो होना चाहिए। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे जाने दो। नहीं, जवाब मिल गया। नहीं, अभी नहीं, शायद जवाब इससे भी ज्यादा आसान हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। शायद ये खुद अहदनामा ही हमारा जवाब हो। देखो, क्या तुम वाकई इस अहदनामे पर अमल करोगे? कोई पूछने की बात है? मालूम है कि अमल नहीं करूंगा। हसन इब्ने अली को भी मालूम है। तो क्या है? यही तो है, उन्हें पता है कि तुम कभी भी अमल नहीं करोगे। अब वो इस तरह चाहते हैं कि मुसलमानों के सामने तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो। मेरा चेहरा? हाँ, वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन का खिताब न दो। क्योंकि तुमने ये खिताब दिया इसलिए अब तुम रुस्वा हो गए। रुस्वा? वो तुम्हें मजबूर करते हैं कि तमाम मुसलमानों की हर जगह हिफाजत करोगे और उनका एहतराम करोगे, मगर उन्हें मालूम है कि तुम मुसलमानों को महफूज नहीं रख सकते। इस तरह सभी लोग तुम्हें अच्छी तरह जान लेंगे। जान लें तो फिर तुम जैसा अहिशकर मुसलमानों पर किस तरह खिलाफत करेगा? ठीक है, मैं हित को तोड़ के हुक्मरानी करूंगा। क्या हो जाएगा? अब कुछ नहीं होगा, बल्कि एक मुद्दत के बाद तुम्हारे चेहरे को लोगों के सामने इस तरह बेनकाब करेंगे कि दोबारा उनके कयाम करने की राह हमवार हो जाए। तुम कहना चाहते हो कि वो मेरे खिलाफ दोबारा मुहिम चलाएगा? शायद नहीं, ये सोच गलत है। तुम बेफिक्र रहो उस वक्त तक, अभी बहुत वक्त है। हम बैठकर ये खतरा भी सर से टाल देंगे। अब तो इससे कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए, मेरा हाल अच्छा नहीं है, मुझे आराम की जरूरत है। अम्र, तुम मुतमईन हो कि इसमें कोई बात छुपी नहीं है जो मुझे ललकार रही हो? हाँ अमीर, अब तुम मुतमईन रहो, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। अम्रयास अपनी शैतानी जहानत से समझ चुका था कि खतरा इससे भी ज्यादा है जो उसने रचाया है। वो ये जान चुका था कि हसन इब्ने अली ने उसे और अबू सुफियान के बेटे को जिल्लत की जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया है कि ये शिकस्त अनकरीब खानदान बनी उमैया की चूलें हिला के रख देगी। यही दर्द अलम और गुस्सा लिए हुए मिस्र चला गया और
इस मुश्किल मामले के हल से आजिज वहीं हलाक हो गया। नहीं कैस, अबा मोहम्मद के हुक्म की सरपेची न करो। अबा मोहम्मद ने मुझे हुक्म नहीं दिया है, मुझे पैगाम भेजा है। पैगाम उन्होंने खुद नहीं भेजा है सईद। अबा मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक मेरे मरने के बाद लश्कर के सालार तुम होगे। अमीर, कैस इब्न साद ने हमला कर दिया है। उसके साथ कितने लोग हैं? कोई नहीं, अकेला है, चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा है। उससे मारना नहीं, हुक्म दो कि उस पर कोई तलवार न चलाए। लो उसे बताना, वो हसन इब्न अली की दस्तखत पहचानता है। मैं हूं कैस, आओ मेरे मुकाबले के लिए, चलो आ जाओ। आ जाओ, निकाल लो अपनी तलवारें। कैस, 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 डरो। हसन इब्न अली मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ सुलह करना चाहते हैं। हमें इजाजत नहीं कि तुम्हारा सत्तम से जुदा कर दे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हसन इब्न अली के दस्तखत पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूं। चलो इसे देखो। सुलह के बाद इमाम अलैहिस्सलाम कूफे से मदीना हिजरत कर गए और अपने जद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के जवार में दीन हनीफ की तरवीज व तबलीग में मसरूफ़ हो गए। आ हज़रत के वजूद जीजूद से फैज़याब होने के लिए इस्लामी ममालिक से आपके मुश्ताक अपनी इल्मी और रूहानी प्यास बुझाने मदीना में आपके दर्स में शिरकत करने के लिए जौक दर जौक आने लगे और अय्याम हज में तो इन लोगों का तांता बन जाता था। ये एक सुनहरी मौका था कि जिसमें वो कलाम इलाही
حکمت محمدی اور عدالت علوی کو بیان کریں۔ اس طرح دین خدا کے استحکام کی راہ ہموار کریں اور دشمنان دین اور عہد شکنوں کے مکر و ہیلوں اور سازشوں کو بے نقاب کریں۔ دوسری طرف پسر ابو سفیان نے طے شدہ معاہدے کے تحت مروان ابن حکم کو مدینے کا حاکم بنا دیا، کوفہ کو مغیرہ کے حوالے کیا اور حکومت شام کے امور ضحاک ابن قیس کو سونپ کر خود تمام سیاسی امور سے آسودہ خاطر ہو کر حج کے بہانے عرب کے مشائخ اور بزرگوں سے گفتگو کرنے مکے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر سکے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باپ کی عدم موجودگی میں معاویہ کی ظاہری دینداری کے برخلاف یزید نے فسق و فجور کی محفلیں جمانا شروع کر دی اور بنی امیہ کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ یہی انتظار کرو، دیکھوں تو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ خانہ خدا کی زیارت امیر المومنین کو مبارک ہو۔ تم نے جو خط لکھا تھا اس کے کیا معنی ہے؟ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین ہزاروں دفعہ سفر حج کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ بکواس بن کر اس خط کا بتا۔ وہ خط تو میں نے زندان سے امیر المومنین کے لیے بھیجا تھا۔ کیا؟ زندان سے؟ زندان سے؟ ہاں امیر، جس دن آپ شہر سے نکلے اسی دن امیرزادے نے حکم دے دیا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ امیر المومنین کے خلاف ہو جائیں، لیکن انہوں نے مجھے زندان میں ڈال دیا اور میرے منہ پہ کوڑے مارے۔ کیوں، کیا کر رہا تھا؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ خود ان سے پوچھ لیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھ پہ رحم کیجیے امیر، امیرزادہ بڑا سنگ دل ہے، اس نے کہا ہے اگر میں نے زبان کھولی تو میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ لگاتار 10 دن زندان میں میں نے کوڑے کھائے۔ اور اگر ام یزید نہ ہوتی تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ صاف صاف بتا دیوانے، ورنہ میں خود ہی تجھے ہلاک کر دوں گا۔ امیر زادے نے اس نصرانی لڑکی کو بادشاہی خاندان کا لباس پہنایا اور پھر خدم و حشم کے ہمراہ محل سے باہر نکلے اور عوام کے درمیان آ گئے۔ کون سی نصرانی لڑکی؟ وہی نصرانی لڑکی جس کو امیر نے محل سے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، پھر؟ شہر کے چند لوگوں نے اعتراض کیا
امیر زادے نے ان سب کو باندھنے کا حکم دیا, گالیاں دی اور خود سے ان کو کوڑے لگائے. اس حالت میں کہ نشے سے لڑکھڑا رہے تھے اور ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور بہت شور مچا رہے ہیں. انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ امیر لوٹ آئے ہیں. تین دن بعد سپاہیوں کو بھیجا کہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی کو اس کے گھر سے اٹھا کے محل میں لے آئے. اس کے بھائیوں نے مخالفت کی, آپس میں جھگڑا ہو گیا اور پھر دو آدمی مارے گئے. تو کہاں مر رہا تھا؟ میں زندان میں تھا امیر. اے دمشق والو, میں معاویہ ابن ابی سفیان ہوں. یہ کیسی نئی رسم تم لوگوں نے سیکھی ہے؟ دمشق والے اس طرح میرا استقبال کریں گے, وہ بھی اس کا جس نے اپنی زندگی تمہارے فلاح و بہبودی میں گنوائی ہے اور دن رات تمہاری آخرت سنوارنے میں لگا ہے. آخر میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو اس قدر تم لوگوں کی بے روحی کا شکار بنا ہوا ہوں؟ اس طرح میرے خلاف چیخ رہے ہو؟ میرے علاوہ کوئی تھا جو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کر کے تم پر قابض ہونے سے بچا تھا؟ اگر وہ تارک السلام تم پر قدرت پا جاتا تو تمہارا دماغ ایسا ٹھیک کر دیتا کہ تمہاری نسلیں اسے زمانے تک یاد کرتی رہ جاتی. کیا وہ میں نہیں تھا جس نے حسن ابن علی کو بھی مغلوب کر دیا کہ تمہاری سرزمین پر تصرف کے خیال کو بھول کر اسے گوشہ نشین ہونا پڑا؟ کیا یہی میری زحمتوں کا صلہ ہے؟ اے ناشکر لوگوں, اے حق نہ پہچاننے والوں, میں کیا کہوں؟ تم نے بنی اسرائیل کو سرخ رو کر دیا ہے. خدایا مجھے موت دے دے, مجھے موت دے دے کہ ان لوگوں سے میں بیزار ہوں. مجھے ان لوگوں سے نجات دے کہ اب مجھ میں سہنے کی طاقت نہیں رہی. اے آسمان و زمین کے مالک, آسمان سے عذاب نازل فرما, طوفان تاؤن ملک الموت کو بھیج دے کہ ہم سب کو ایک ساتھ واصل جہنم کر دے, اس لیے کہ ہم لوگ اسی کے لائق ہیں. اب جاؤ, چلے جاؤ, میں تم لوگوں سے بیزار ہوں, میری بد دعا کا شکار ہو گئے ہو. اب میں مسجد نہیں آؤں گا اور نہ تمہیں نماز پڑھاؤں گا. مسند خلافت بھی چھوڑ رہا ہوں, جنگل اور پہاڑ اختیار کروں گا, گوشہ نشین ہو جاؤں گا, دن رات نمازیں پڑھوں گا اور اپنی بد دعا کی قبولیت کا منتظر رہوں گا. اب جاؤ, چلے جاؤ. یہ یزید ہے جس نے سارا ماحول خراب کر دیا ہے. اس نے اس نصرانی عورت کو بیوی بنا لیا ہے, ہمیں اس کے حوالے نہ کرنا. اے امیر المومنین, اسے ہم پر مسلط نہ کرنا, اسے ہم پر مسلط نہ کرنا. ہاں صحیح کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. تمہیں یقین ہے کہ ساری بدکاریاں میرے بیٹے یزید کی ہیں؟ ساری بدکاریاں اسی کی ہیں. ہاں اسی کا کام ہے, اسی نے کیا ہے. ایسی حرکتیں وہی کر سکتا ہے,
वहाँ उसी का काम है, अमीरुल मोमिनीन ये सारे काम उसी के हैं। हाँ खुदा तुम लोगों पे लानत करे, या झूठे हो या धोखे में आ गए हो। क्या मेरा बीमार और नातवान बेटा ऐसी हरकत करे? वो तो एक चूठी को जख्मी करने की हिम्मत नहीं रखता, किसी के घर जाकर आग लगाएगा, उसे नमाज और दुआ से फुर्सत नहीं मिलती है। कैसे मुमकिन है कि वो किसी की बीवी और बच्चों पे बुरी नजर डाले? जाओ चले जाओ, अब इससे ज्यादा दुनिया और आखिरत के अजाब के खरीदार न बनो। मेरे बेगुनाह बेटे पर तोहमत न लगाओ। डरो मेरे टूटे हुए दिल से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे टूटे हुए दिल की आह तुम लोगों को लग जाए। जाओ तौबा करो, तौबा करो, अस्तगफार करो, अस्तगफार। मैं कहता हूं रुक जा, बोसर पकड़ उसे। किसकी इजाजत से नसरानी को महल में लाया? अमीर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शहर में आग लगाएगा, मेरे मुशावर को कैद में डालेगा, तेरी ये मजाक आज तुझे मैं बताता हूँ। मेरी खिलाफत को बर्बाद करेगा तू, मेरे मुशाविर को कोड़े लगाता है। मुझे ना मार, मैं तुझे कोड़े लगाऊंगा। ले खा, पकड़ो उसे। अमीर ना मारे, अमीर अमीर मुझे माफ कर दीजिए, फिर से नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, जब तक तुझे शलाख का मजा नहीं लगेगा तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं जाने दूंगा तुझे। पकड़ उसे। पकड़ उसे, मैं कहता हूं पकड़ उसे। जाओ उसे पकड़ के ले आ, बेवकूफ मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं। अब सिर्फ एक बार और कहूंगा, उसे पकड़। अगर तूने इताअत न की तो तेरे सर को जल्लाद के हवाले करूंगा। अमीरजादे, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी जान की कसम, खुद अमीर के पास चले जाओ और इस हुक्म पर अमल करने से मेरी जान छुड़ा दो। ए ए अहमक, देख नहीं रहा है, वो मुझे कोड़े लगा रहा है। अमीर जादे, खबरदार अगर तूने मुझे छुआ। मैं मजबूर हूँ। अगर अमीर ने मुझे कोड़ा लगाया तो मैं तुझे नाबूद कर दूंगा। जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। किसने तुम्हें इजाजत दी है यहां आने की?
माफ करना अमीर, जब मैं अपने बेटे यजीद की आहो फुगा सुनती हूँ तो इतना बदहवास हो जाती हूँ कि इजाजत का इंतजार भी नहीं करती। यजीद तुम्हारा बेटा, देखा ये औरत क्या कह रही है, जरा फिर से कहो क्या कहा है। कुछ नहीं, सिर्फ अपने बेटे को मार पीट गाली गलौज से दूर रखना चाहती हूँ। देखो इस औरत को किस मकरो हीले से आलम को धोखा देना चाहती है। माजल्ला के अमीर के सामने मकरो हीला करूं? अपना नाम तो बताओ। अमीर मेरा नाम जानते हैं। भारी जबान से सुनना चाहता हूँ। उम्मे यजीद। उम्मे यजीद, तुझे किसने जन्म दिया? मुझे बता जल्दी। मैसूम। तुम्हारा नाम मैसून है? नहीं अमीर। तेरी माँ किस कबीले से थी? बनी कल्ब। तुम बनी कल्ब से हो? नहीं अमीर। बनी कल्ब मुसलमान है? नहीं, नसरानी। तो तुम नसरानी हो? नहीं तो मुसलमान हूँ। तो तुम उसकी माँ नहीं हो। अब ऐसे धोखे से बाज आ जाओ और उसे अपने हाल पे छोड़ दो। सच कह रहे हो, मेरा नाम मैसून नहीं है और मैं बनी कल्ब से भी नहीं हूँ, और यजीद मेरे बतन से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसने मेरा दूध पिया है और मेरी आगोश में सोया है और मेरी आवाज पर आँख खोली है। ये तो हर कनीज का काम है। और मैं वही कनीज हूँ जो अपने मालिक को पूछती हूँ। मुझे पूजा करती हो? अमीर का अपना मकाम ऐसा है कि तमाम मुसलमान पूछते हैं, लेकिन मेरी इस बात का मकसद। हारिस, मरवान आ गया। खुश आमदीद सरदार, तशरीफ लाइए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं अमीर से पहले कूफे पहुंच गया हूं। तुम्हें नहीं मालूम ये चंद रोज मेरे लिए कितने सख्त थे। बस कासिद की तरह दिन रात घोड़े की पुश पर रहता, और अब इतना थक चुका हूं कि जरा भी जान मुझ पर बाकी नहीं। तो क्या तुम अमीर के हमराह नहीं थे? नहीं, कासिद मदीने ये पैगाम लेकर आया कि अमीर कूफे की तरफ रवाना हो चुके हैं और मैं जल्द से जल्द उनसे जा मिलूं। यानी तुम्हें भी कूफा बुलवाया है? हाँ। क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई है? नहीं मालूम। कहीं जंग का खतरा तो लाहक नहीं है? मैं क्या बताऊं, अमीर शहर के दरवाजों से ज्यादा दूर नहीं है, उन्हें कैसे नहीं देखा? मैंने उनके लश्कर को देखा कि वो दूसरे रास्ते से शहर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लश्कर से आ मिलूं ताकि अमीर के साथ खसूसी मुलाकात से बच जाऊं। इसलिए कि नहीं मालूम अमीर किस ख्याल में है। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो अमीर इस तेजी से गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बेखबर हूं। कसम खुदा की, जब से अमीर के कूफा आने की खबर सुनी है मेरी तो आंखों की नींदें उड़ गई हैं। अमीर अल मोमिनीन शहर के दरवाजे से गुजर चुके हैं। हाँ, तो अब जल्द ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्या खबर है। चलो।
مسلمانوں کے حاکم اور امیر المومنین پر سلام. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوفے والے تم جیسے بزرگوں کے ہم خیال ہوں گے. ان کے چہرے تو دیکھو، خوشی کے کوئی آثار نہیں، نہ تالیاں نہ کچھ. نہیں نہیں امیر، کوفہ والے اچانک امیر کی آمد سے حیرت زدہ ہو گئے. بجاؤ تالیاں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ. علی ابن ابی طالب کا مکان کون سا ہے؟ میں تو بھول گیا. وہاں ہے. اس نے ہماری طرف اشارہ کیا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حسن ابن علی کے مکان کی طرف اشارہ تھا. علی ابن ابی طالب اور حسن ابن علی اس گھر میں رہتے تھے. معاملات کو کس جگہ حل کرتے تھے؟ وہیں پر. اچھا، وہاں. تو یہ مکان حقیقت میں کوفے کا دار الخلافہ تھا. ہمارے محل سے کم نہیں تھا. ایسا تو نہیں کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو؟ نہیں امیر، عمر ابن حریث کا گھر میرے دار الخلافہ کے عنوان سے منتخب کر لیا گیا ہے. ہاں، وہ ایک مناسب جگہ ہے. اس شہر میں یہی ایک مناسب جگہ ہے. اجازت ہے؟ اجازت دی. ابو سفیان کا بیٹا کس طرح اپنے آپ کو روب و دبدبے میں رکھتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو، اس کی علی مرتضیٰ اور حسن ابن علی کے ساتھ عداوت اور دشمنی آخرت کی خاطر تھی؟ نہیں، وہ یہی چاہتا تھا. ایران و روم کے بادشاہوں کے جاہ و جلال نے اسے اندھا بنا دیا ہے. کیا حال ہے؟ ہاں، عمر ابن حریث اور حجاج ابن ابجر، ہمارے قدیم دوست، بتاؤ کیا حال ہے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ دن رات امیر کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو معاملہ قرار پایا ہے اس پہ تو خوش ہو نا. کیسا معاملہ؟ کیوں معاملہ؟ حسن ابن علی کے مقابلے میں جو تم نے مجھے منتخب کیا اور اس کے بدلے بہت سا مال و دولت پکڑ کے مالک ہو گئے، کیا یہ ہمارے معاہدے کے عوض میں اچھا معاملہ نہیں تھا؟ اب اپنی ہوش و حواس ٹھکانے رکھو، ایک اور معاملہ درپیش ہے. فراوان ملک و ثروت تمہارے انتظار میں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ہاں عمر، ہمارے کارندوں کو جو تم نے اپنا گھر دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امیر کا صدقہ ہے. گھر کی قیمت ادا کر دی ہے؟ جی ہاں امیر. بے شک تم نے کئی گنا زیادہ حساب کیا ہو. ہاں، آخر کار تم تینوں کو اپنی زندگی میں اپنے یاروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں. ہمیں ناز ہے مدتوں سے امیر کی زندگی میں. میں خوش ہوں کہ تم تینوں کے چہرے کوفے والوں کے چہروں سے نہیں ملتے. تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ یہی مجمع میں موجود ہیں. جمال امیر سے محظوظ ہو رہے ہیں
और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा देख के उदास हो जाते हो। मेरे अमीर, लोग मुंतजर हैं। ऐ अहले कूफा, मुद्दतों से कुछ इराकियों की नाफरमानी, उनकी बगावतों और नाशुक्री की खबरें मुझे मिलती रही हैं। मैंने तहम्मुल किया और उम्मीदवार भी था कि शायद तुम लोग अपनी हठधर्मी से बाज आ जाओ और राह सवाब इख्तियार कर लो। अभी चंद माह पहले जब हसन इब्ने अली से सुलह की बात हो रही थी, इसी शहर की मस्जिद से मैंने तुम लोगों पे अपनी हुज्जत तमाम कर दी और निदा देकर कहा था कि तुम्हारा हाकिम बस मैं हूं, अगरचे तुम्हें अच्छा ना लगे, और ये भी कह दिया था कि अगर फितना करोगे तो बहुत ज्यादा खून बहाऊंगा और तुम्हारे खून का हर खतरा जो जमीन पे गिरेगा न सवाब दुनिया होगा और ना ही आखिरत में अजर मिलेगा, और बता दिया था कि तुम्हारी बेहतरी सिर्फ तीन चीजों में होगी जो मैं चाहूंगा। खिराज वक्त पे अदा कर दो, जंगी जवान मैं जब भी हुक्म दूं फौजी छावनियों को चले जाए, लेकिन सबसे अहम मेरे फरमा बरदार रहे। लेकिन इस मुद्दत में तुम लोगों से ऐसे आमाल सरसर्द हुए हैं कि मैं क्या कहूंगा। मुझे तो अपनी बख्शिश शफ़क़त और मेहरबानी से पशेमान कर दिया। आए दिन तुम्हारा एक गिरोह इस मुल्क के गोशे और किनार में मेरी नाफरमानी करता है, और हर रोज मेरे सिपाही, मेरे मुतालिकीन और मेरे फरमानदार तुम्हारे गिरोह के जरिए हमले व तजावुज का शिकार होते। कोई वक्त ऐसा नहीं कि कूफे के गोशे व किनार में कोई नया हादसा ना हो जाए। बसरे में कभी सुकून नहीं रहा और मदीना हमेशा नाफरमानियों की साजिश में जल रहा है, और मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से लोगों की जान और माल का मुहाफिज हूं और इन करतूत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी है, मजीद अब बर्दाश्त की हद नहीं रह गई। अब इसके बाद इराक की सरजमीन में आशूब बलवा नहीं देख सकता। यही वजह है कि जहमत और सख्ती से खुद को दमिश्क से यहां लाया ताकि बुलंद आवाज से सबको बाखबर कर दूं। मुझे उस वक्त की याद आ गई जब अली मुर्तजा इस शहर में आए थे पैदल बगैर जरा व शमशीर के, उनका घोड़ा भी बगैर जीन के था और हाथ में रकाब थामे हुए। शहर के दरवाजे से बाहर घोड़े से उतर गए और सबको उतार दिया कि लोग शहर में सवारों को देखकर कहीं खौफजदा न हो जाए। यह न समझना कि अब इस वक्कार को देखो, चाहता है उनकी जगह पहुंच जाए और खिलाफत को खत्म कर ले। ऐसा नहीं है, अब सब जान लें कि ये सुलहनामा एक हैवान की खाल के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अब जो भी मैंने लिखा है और अहद किया है वो सब मेरे कदमों के नीचे। मैं इस सुलहनामे के तमाम मुफाद बातिल ऐलान करता हूं, और जान लो कि इस सुलहनामे के किसी भी मवाद और नुक्ते का पाबंद नहीं रहूंगा। हसन इब्ने अली के तरफदार और खवारिज के सरकश लोग समझ लें कि अब गर्दन उड़ाने का दौर आ चुका है। वो जान लें कि उनका माल हलाल और उनका खून मुबाह ऐलान करता हूं, और उनकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो कभी भूल ना पाएंगे। अब इसके बाद सिवाय इताअत के कोई उज्र और बहाना तहमुल नहीं करूंगा। क्या नाफरमानी का दौर गुजर चुका है, मैं यहां ऐलान करता हूं कि किसी पर रहम नहीं करूंगा। वस्सलाम।
मैं मुतमइन था कि अहदनामे को पैरों से कुचल देगा, लेकिन नहीं समझा था कि खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने अपने अहद शिकनी का एतराफ करेगा। अब अबू सुफियान के बेटे से हमारे जंग का नया दौर शुरू होगा। हम में से कोई हसन इब्न अली के पास जाए और उन्हें मुआविया की बातों से आगाह करे। हर तुम चले जाओ। नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे बेटों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। बचकाना काम ना करो, जाओ। बचकानी काम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब चारा नहीं है, तुम दोनों में से कोई चले जाओ। सईद, बेहतर है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रह के खबरें हासिल करूंगा। अब तुमसे मुलाकात मदीने में होगी। बेहतर है कि शहर के दरवाजे बंद होने से पहले निकल जाओ। रो रहे हो। अब मुझे मालूम हुआ है कि क्यों हसन इब्न अली ने ऐसे हालात में इस शख्स के साथ सुलह की। कूफा के लोगों को देखो, क्या पशेमानी के आसार उनके चेहरे पर नहीं देख रहे? क्या नहीं देख रहे किस तरह सोग में बैठे हैं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इस लम्हे वो लोग अली मुर्तजा और हसन इब्न अली को याद कर रहे हैं? हसन इब्न अली ने ऐसा काम कर दिया कि ये लोग अपनी आंखों से अपनी आफियत तलबी, बेवफाई और दुनिया तलबी का नतीजा देख रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि माविया ने अपना हकीकी चेहरा सबको बता दिया। शेम्र, कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कैसे अपने साथियों के बेशुमार सवालों का जवाब दूं। हमने अमीर की रहमत का उनसे वादा किया है और अब ऐसी बातें। सरदार, मैं तुमसे पूछता हूँ, इन चंद माह की मुद्दत में हमसे कुछ नाफरमानी हुई है या कभी भी अमीर की साजिशों की मुखालिफत में हमने अपनी जबान खोली है? मैं तो मदीने का हाकिम हूँ और अल्लाह के फजलो करम से अभी तक वहां पर कोई मुखालिफत नहीं है। रहा तुम्हारी वफादारी का सवाल, तो ये तो मुगैरा से पूछा जाना चाहिए। हमने मुगैरा से फिलहाल बहुत बेहतरीन ताल्लुकात बना लिए हैं। मालूम है कितने फितने हैं जो हमारी वजह से खत्म हो गए हैं, और बहुत से बलबों का खात्मा हमारे यारों की वजह से हुआ है। सिर्फ मुगैरा को सबसे ज्यादा बेहतर हमारी खिदमतों की इत्तला है। अब कैसे अमीरुल मोमिनीन हम लोगों पे इल्जाम लगाता है? मुझे इत्मीनान है कि हरगिज़ तुम्हारी इन बातों का मकसद ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन पर एतराज करो और उनकी बात को गलत साबित करो। माज़ अल्लाह, मेरा तो सिर्फ ये मकसद है कि अमीर की हम पे नजर इनायत हो। अमीरुल मोमिनीन, मुझे हकीकत बताने दो सरदार। अमीर अल-मोमिनीन ने अराक के मुसलमानों के साथ उनके शायान शान गुफ्तगू नहीं की। मुसलमान? कौन से मुसलमान? तुम मुसलमान हो इब्ने उमर? सरदार, बात मुसलमानी की नहीं हो रही है, बात खिदमत अमीर अल-मोमिनीन है। वगरना ऐसे लोग बहुत हैं कि जिनके बाप और खानदान रसूल अल्लाह के दुश्मन थे और आज अमीर अल-मोमिनीन के मुकर्रबीन में से है।
तेरा इशारा मेरी तरफ था सलील कुत्ते। बस करो, अमीर अंदर आराम फरमा रहे हैं और तुम झगड़ा कर रहे हो। तू अपना मुंह बंद रख छोटे मक्कार तंगाबाज। तू मुझे समझाएगा? तू सोचता है मैं तुझे नहीं पहचानता हूं? तुम सब इन लोमड़ी सिफत लोगों से भी बदतर हो। एक तरफ हसन इब्ने अली के सामने अपनी गर्दनें झुकाते हो और दूसरी तरफ अपनी सस्ती और नाचीज खबरों को एक सौदागर की तरह हमें आकर बेचते हो। उसके बाद ऐसे अमीर की खिदमत का दम भरते हो जैसे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आज तुम सब पर सरकशी और नाफरमानी का इल्जाम लगाया है और मुझे अमीरुल मोमिनीन के वफादार और रमखार होने के नाते इस बात में जर्रा बराबर शक नहीं है। और अगर अमीर इजाजत दें तो याद रखो एक एक करके तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने तुम लोगों को तलब किया है, चलें। उम्मीद है कि अमीरुल मोमिनीन की थकन जरा दूर हो गई होगी। मैं इतना ज्यादा थका नहीं हूं मेरे चचा की औलाद, सिर्फ मुगैरा से कुछ तन्हाई में हालात से बाखबर होना चाहता था। हकीकतन अमीर की आज की गुफ्तगु ने सब कुछ रोशन कर दिया है। ये कमतरीन हकीर बंदा एक मुद्दत से इसका मुंतजर था और आज बहमदिल्ला अमीर की जबान पर यह कलिमात जारी हो गए जिससे नमक हराम और खाइन लोगों के चेहरे पे नकाब हो गए। क्या हुआ मरवान, क्या शमशीर तेज कर ली है? तुम्हारा इशारा हमारे दोस्तों की तरफ तो नहीं है जो यहां मौजूद हैं? जाहिर में दोस्त लेकिन बातिन में दुश्मन। मुझे खुशी है इस बात से कि अमीरुल मोमिनीन के जानिसार नमखार आज के बाद मजबूर नहीं है कि उन लोगों के साथ मुसालहत करें। मरवान, जो लोग यहां मौजूद हैं वो हमारे वाकई दोस्त हैं, ये अच्छी तरह जान लो। हत्ता ये मुनाफिक लोग? वो लोग अब मुनाफिक नहीं रहे, अब हमारे दोस्त हैं। सही है शिम्र? जी अमीर, हम दिलो जान से अमीर अल-मोमिनीन के गुलाम और इराक के बेहतरीन इत्तेहादी हैं। हाँ, मुतमईन हो के ऐसा ही है। लेकिन अमीर अल-मोमिनीन की आज की तकरीर? मेरी आज की तकरीर की दलील कुछ और है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। जिसकी खातिर मैंने सफर की मशक्कत भी बर्दाश्त कर ली है और तुम्हें भी मदीने से यहां बुलाया है ताकि अब इसके बाद हम सब की जिम्मेदारियां सौंप दी जाए। जान लो कि अम्र इब्ने हुरैस और हज्जार इब्ने अबजर हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। हमारे लिए बायस फख्र है कि अमीर अल-मोमिनीन की बात को गौर से सुने। शिम्र, अशस और इब्ने उमेर, ये लोग हमारे नए साथी। हम आपके गुलाम हैं अमीर। और मेरा अजीज बुसर इब्ने अर्तात, आपका कादिन। और मुगैरा और मरवान मेरे वफादार साथी जो कूफा और मदीने के हाकिम हैं। मेरी नजर में तुम सब मेरे लिए बराबर के अजीज और मोहतरम। इसके बाद तुम्हारी दूरी और नजदीकी का मेयार सिर्फ मेरी इताअत और हुक्म बजा लाने की कैफियत पर होगा। इराक में नाफरमानी और शोरिश और इस्यान के मुतालिक मैंने जो कुछ भी कहा था वो एक बहाने के अलावा कुछ नहीं था। कम से कम मैं तुम इत्तेहादियों और बावफा यारों के सामने इतराफ करता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। न कूफे में, न बसरे में और ना ही मदीने में यहाँ किसी किस्म के शोरिश के वाकयात नहीं हुए। हाँ, जो मैंने हसन इब्ने अली के अहदनामे से मुतालिक कहा है
یہ حقیقت ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ اس صلح کے نوشتے پر پابند رہوں۔ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یزید کو اپنا جانشین بنا دوں، اور چاہتا ہوں کہ اس کے مقدمات جتنا جلد ممکن ہو فراہم ہو جائیں، اور اپنی حیات ہی میں خلافت میں رکاوٹوں کا سد باب کر دوں، اور اس کی آئندہ حکومت کی بنیاد اپنے ہی ہاتھوں سے مضبوط کر دوں۔ اور اس راہ کے لیے تم وفادار ساتھیوں اور ہم مسلک دوستوں کی مدد کا مجھے سہارا چاہیے۔ لیکن امیر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنا جانشین نہیں مقرر کریں گے۔ تم نے نہیں سنا مغیرہ، اس صلح کا عہد نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے۔ جسارت نہ ہو امیر، ہمیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس صلح نامے کے شرائط کی پابندی فرمائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے کچھ زیادہ وقت درکار ہے۔ نہیں، وقت اتنا ہی ہوگا جتنا حسن ابن علی چاہے گا، کوئی اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے فرزند کی خلافت پائیدار اور مستحکم کر دوں۔ حسن ابن علی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوئے، امیر المومنین سے صلح صرف ان کی اطاعت پر قبول کی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً اپنی تلواریں نکال لیں گے۔ تم بھی اپنی تلواریں کھینچ لو، انہیں اسیر کر لو، قید میں ڈال دو، انہیں ہلاک کر ڈالو، غافل گیر کر دو، مجال نہیں وہ فرار کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور تیاری کریں، تم ان پہ حملہ کرو اور ایک ایک کر کے نابود کر ڈالو۔ قبیلوں کے اور قریش کے سرداروں کے ساتھ کیا کریں؟ بڑے بڑے سردار جیسے سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان کا کیا کریں؟ اس میں شک نہیں کہ وہ فرزند امیر کی جانب دست بیعت نہیں بڑھائیں گے۔ انہیں دھمکی دو، لالچ دلاؤ، پھر بھی اگر کامیاب نہ ہوئے تو انہیں خفیہ طور سے قتل کر ڈالو۔ یہ ہمارے وجود کا حساس ترین مرحلہ ہے، یہاں موقع ہے کہ اپنی لیاقت اور کارکردگی ثابت کریں۔ خود حسن ابن علی کا کیا ہو؟ اچھا سوال کیا مروان، کہ حسن ابن علی کا کیا کریں؟ اس میں شک نہیں کہ وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے مدینے میں ایک بڑی مشکل خود اس کا وجود ہے۔ ظاہر میں تو اللہ، رسول اور قرآن کی باتیں کیا کرتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہر بات ہماری طرف ایک تیر کے مانند ہے۔ اور کیا امید اسے رکھی جا سکتی ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ آئے دن اب اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب ہماری نماز جماعت میں بھی کوئی رونق نہیں بچی ہے۔ جب سے سلنامے پر اس نے دستخط کیے ہیں وہ اسی کوشش میں ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ نہ ظاہر میں کوئی اقدام کرتا ہے اور نہ کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے۔ ہاں، یہ سب مجھے اچھی طرح معلوم ہے میرے بھائی، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میں کیا بتاؤں؟ اچھی طرح سوچو۔ اس کا کام تمام کر دوں؟ نہیں، فرزند رسول خدا کے خون سے ہم اپنے ہاتھ رنگین نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ قتل ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے نہیں۔ ممکن ہے کہ قاتل اس کے طرفداروں، اس کے چاہنے والوں یا اس کے اطرافیوں کا ہو، اس صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ خوب سوچو مروہ، میں مطمئن ہوں نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اور ایک مناسب راہ حل تلاش کر لو۔ اب میں حسن ابن علی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، بے صبری سے انتظار کرتا رہوں۔ بات سنو مغیرہ،
पता है वो कौन लोग हैं जो आजकल हसन इब्न अली के घर में रहते हैं? जल्दी करो, सब जगह तलाश करो, कोने कोने में तलाश करो। कैस उठो, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। क्या हो गया है? बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ो इसे, दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा, देखते क्या हो। घर मुहासिरे में है। तुम जाग रहे थे? हाँ, मैं सो नहीं सका। क्या करें हारिस, जंग करें या फरार? पहले यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो जंग करेंगे। ठीक, चलो मस्जिद निकलते हैं, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। आओ, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी करो। आओ, तोड़ो इस दरवाजे को, तोड़ो जल्दी इस दरवाजे को। तोड़ो दरवाजा। हारिस, हारिस क्या कर रहे हो? हारिस निकलो, मैं रुकता हूं, तुम लोग जाओ। हारिस, तुम लोग जाओ, मैं इनका रास्ता बंद करता हूं। जाओ, तुम लोग जाओ। सही कह रहे कैस, तुम जाओ। फिर से तुम क्यों आ गए? जाओ। अरे बेटू ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, मैं तो रुकूंगा। हर मैं तो रुकूंगा। कैस तुम जाओ, इससे पहले के देर हो जाए चले जाओ यहां से। जाओ कैस, तुम चले जाओ। तुम हसन इब्ने अली के सिपह सालार हो, तुम्हें इनके हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जाओ, हसन इब्ने अली को हमारा सलाम पहुंचा दो। ठीक है, जाता हूं, तुम्हारा सलाम भी पहुंचा दूंगा। देखो, गौर से देखो, हर जगह देखो, कोना कोना ढूंढो, देखो जल्दी करो, तुम उस तरफ जाओ, जाओ। तुम मेरे पीछे आओ। बाप रे बाप, Oh, my God.
भागने ना दे। मैंने एक ही वार में इसको हलाक कर दिया। चलो